श्रद्धा वालकर मदान केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को जब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि आफ्ताब हॉलीवुड की एक वेब सीरीज डेक्स्टर से प्रेरित था। लेकिन दरअसल अब आफ्ताब की खुद की कहानी किसी हॉलीवुड की थ्रिलर क्राइम वेब सीरीज जैसी बनती जा रही है। दरअसल आफ्ताब अमीन पूनावाला की नई गर्लफ्रेंड सामने आई है, जिसने दिल्ली पुलिस को तमाम बयान दिए हैं और उन बयानों के हिसाब से ये केस एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब अमीन पूनावाला की नई गर्लफ्रेंड को इंटेरोगेट किया और इंटेरोगेट करने के बाद अलग अलग बातें सामने आई। आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड ने दिल्ली पुलिस को बताया कि 30 मई को आफ्ताब उससे एक डेटिंग एप्लीकेशन बंबल के थ्रू मिला, जिसके बाद उन दोनों में लगातार बातें होती रहीं। लड़की ने बताया कि हालांकि आफ्ताब और उसके बीच में बातें रोज़ नहीं होती थी, लेकिन फिर भी अक्टूबर तक वो कुछ ना कुछ करके बातें करते हुए टच में बने रहे। अक्टूबर के महीने में आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड छतरपुर में आफ्ताब के मकान पर दो बार गई। सूत्रों की माने तो आफ्ताब की ये नई गर्लफ्रेंड, जिसको दिल्ली पुलिस ने इंटरोगेट किया है, ये पेशे से एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि मनोवैज्ञानिक है, लोगों की मानसिक बीमारियों को ट्रीट करती है। आफ्ताब की इस गर्लफ्रेंड ने दिल्ली पुलिस को बयान दिया है कि जब से उसे आफ्ताब के मर्डरर, एक कातिल होने की खबर पता चली है, तब से वो शॉक में है और एक साइकोलॉजिस्ट की क्लिनिकल थेरेपीज के लिए अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रही है। सोचने वाली बात दरअसल ये है कि आफ्ताब 30 मई से इस लड़की को मिला, 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, उसके बाद आफ्ताब श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़ों को अलग अलग जगह मैरोली के जंगल में ठिकाने पर लगाता रहा, लेकिन इस दौरान वो इस लड़की से उस एप्लीकेशन के थ्रू बात करता रहा। अक्टूबर के महीने में जब ये लड़की आफ्ताब से मिलने गई तो ये दिल्ली पुलिस को बताती है कि आफ्ताब का व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था, आफ्ताब इससे मिलकर बेहद खुश था और आफ्ताब के पास डिओड्रेंट्स और परफ्यूम का एक बहुत बड़ा कलेक्शन था, जिसमें से एक परफ्यूम उसने इसको भी गिफ्ट किया था। गिफ्ट की थी श्रद्धा की वो अंगूठी, जो श्रद्धा के अंगुली में आखिरी बार तब देखी गई थी जब श्रद्धा का आफ्ताब ने कत्ल किया था। ये सारी जानकारियाँ आफ्ताब की इस नई गर्लफ्रेंड के इंटरोगेशन के बाद से सामने निकल कर आई हैं, जिसका इंटरोगेशन दिल्ली पुलिस ने हाल ही में जुडिशियल कस्टडी में आफ्ताब को ले जाने के बाद किया है। अब आफ्ताब की इस पूरी कहानी में नार्को टेस्ट के बाद ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत लगेंगे। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस को आफ्ताब का कन्फेशन मिल चुका है, जिसमें आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस के आगे ये बात कबूली है कि उसने श्रद्धा मदान का कत्ल 18 मई को किया था। लेकिन अब नार्को टेस्ट में देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में आफ्ताब ने श्रद्धा का जो कत्ल किया वो एक बनी बनाई साजिश का हिस्सा था, या फिर वो सब कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ था। दिल्ली से कैमरा पर्सन मदनलाल के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.